अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आपको कुर्ती में ज़िप लगाने का तरीका बताएंगे। इस तरह से हमने ज़िप लिया है लंबे बड़े साइज़ की, और यहाँ पे देखिए ये कुर्ती को हमने इस तरह अस्तर से अटैच कर लिया है। नेक भी बना लिया है हमने और कपड़े पे इसको अटैच भी कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसको अब हम सेंटर में इस तरह से मार्क किया है, कटिंग कर लिया है, सेंटर से कट लगाए हैं हम। अब इसको सेंटर से अच्छे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको जहाँ तक आपको चाहिए उतना आप मार्क करना है। ज़िप आपकी लंबी जहाँ तक आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको रख के सेट करके देखना है कि आपको कहाँ तक चाहिए ज़िप, तो आप वहाँ तक ही आप रख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ तक इस तरह से सेंटर से आप मार्किंग करते हुए इसको इस तरह से लगाते जाएँ। मार्किंग आप चाहें आपको जहाँ तक लंबा चाहिए ज़िप आप वहाँ तक मार्क करना है। तो सेंटर से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से इसको नेक को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से राउंड में सिल लेंगे और यहाँ पे कट लगाना है। जितनी आपकी ज़िप आपको लंबी चाहिए उतना आप वहाँ तक कट लगा सकते हैं। निशान लगा लें पहले ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो पहले हम नेक को सिल लेंगे इस तरह से। कैनवस पेपर के बाजू बाजू से इसकी सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद थोड़ा सा मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसको इस तरह से कट कर लेंगे राउंड में सिलने के बाद। तो यहाँ पे हमने सिल लिया है। सिलने के बाद इसको कटिंग भी कर ली है थोड़ा सा मार्जिन का कपड़ा देते हुए, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं ताकि पलटाने में आसानी हो जाए। अब हम यहाँ तक कट करेंगे जहाँ तक हमें अपनी ज़िप की लंबाई चाहिए, तो उतनी ही हमें सेंटर से लंबाई की कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से आपको पकड़ना है। पकड़ते हैं यहाँ तक जितना आपको लंबा चाहिए वहाँ तक आप इस तरह से मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद सेंटर से इसको कटिंग लगा लें। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल से सेंटर में आनी चाहिए इसकी कटिंग। ध्यान रहे यहाँ तक की कट करना है। अब उसके बाद हम एक यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। आई एक पट्टी हमने ली है इसको सिलने के लिए, अंदर लगाने के लिए। ये देखिए इतना जितना आपकी ये लंबाई है तो उसी हिसाब से आपको पट्टी भी लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए भी। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई की इस तरह से हमने पट्टी ली है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको फोल्डिंग के लिए चाहिए। ये देखिए इतना हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये साइड हमारा कोर है तो हमें यहाँ सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस साइड हमें यहाँ पे सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम टू फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई करेंगे नीचे भी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पट्टी को इस तरह से सिल लिया है। अब हम पट्टी को उल्टा करेंगे, सीधा रखेंगे और हमारी कुर्ती लेंगे उल्टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक को फोल्ड करके सिल लेंगे। पट्टी बाद में अटैच करना है। इस तरह से पट्टी को पहले सीधे रखना है। सीधे रख के इसको इस तरह से रखते हुए सेंटर से सिलना है। तो पहले हम नेक को इस तरह से फोल्डिंग करके इसको सिल लेंगे। दोनों साइड के नेक को भी इस तरह से अच्छे से बैठा लेंगे। वीडियो को पूरा मुकम्मल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से अंदर की ओर इस तरह से सिलाई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। तो अब हम यहाँ पे इस कुर्ती को इसी तरह से उल्टा ही रखेंगे। पट्टी को हमें सीधा रखना है। इस तरह से रखते जाएंगे सेंटर से और पूरे में सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड भी अच्छे से हम पकड़ेंगे। उसके बाद इसकी दोनों साइड भी सिलाई करेंगे। सेंटर में रखना है एकदम, थोड़ा सा ऊपर गैप छोड़ेंगे मार्जिन के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो हमारी ज़िप अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, नीचे तक इसको अच्छे से सिलना है। अस्तर की और कुर्ती का कपड़ा आपको अच्छे से पकड़ना है वरना एक छूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे तक इस तरह से सिल लेंगे और नीचे जहाँ पर ये किनारा आया है यहाँ पर प्रेशर फुट को उठा के आपको वापस इस तरह से घुमाना है। तो नीचे की पट्टी अच्छे से पकड़ते हुए आपको सही करना है ताकि अच्छे से बैठे, वरना कपड़ा पकड़ा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से दो टाँके डालते हुए आपको इधर की ओर घुमाना है। इस तरह से दो टाँके ले लेना है आपको,
देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करके पलटा इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, तो अच्छे से अब ऊपर तक हम इस तरह से सिल लेंगे ये साइड भी। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलने के बाद हम यहाँ तक कट लगाएंगे जहाँ तक हमारा निशान है, तो ये देख सकते हैं आप, एकदम आपको आराम आराम से इसको कट लगाना है। तो यहाँ बाजू हल्के हल्के से हम कट लगाएंगे। अब हम पट्टी को अच्छे से इस तरह से घुमाते हुए जीप को लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम पट्टी को इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए पट्टी। तो यहाँ से एक पट्टी के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से बैठे। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरह से लगाना है। इस तरह से आपको घुमाते हुए इस ओर चले आना है। ये देखिए पट्टी के ऊपर ही आपको सिलाई लगाना है। यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई हो चुकी है। अब हम अपनी जीप लेंगे, जीप को इस तरह से हम ओपन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ओपन करते हुए हम यहाँ पे इस साइड से पकड़ते हुए इसको पट्टी को अंदर पकड़ना है। इस तरह से एकदम किनारे से लेना है इसकी सिलाई। आप चाहे तो सिंगल प्रेशर फुट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल फुट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप जीप लगाने के लिए, अच्छे से बैठ जाएगी वो भी। ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे से इसकी सिलाई लेने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो अच्छे से इसको अंदर की ओर करते हुए पट्टी को अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई करना है। तो अब यहाँ जीप को ऊपर चढ़ा लेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से प्रेशर फुट उठा के जीप को ऊपर करते जाएं, इस तरह से बंद करते जाएं। अभी नीचे तक सिलाई लगाना है जहाँ तक आपने कट किया है, देखिए वहाँ यहीं तक आपको सिलना है। तो यहाँ हमारा कट है तो हम यहाँ से इसको घुमाना है। घुमाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऊपर चढ़ाएंगे इसको, ये साइड थोड़ा सा इसको हल्के से ऊपर चढ़ाना है, ज़्यादा चढ़ाना नहीं है वरना झोल आएगी यहाँ पे। तो इसको ऊपर से एक टाँका देते हुए हम इस तरह इधर घुमा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से प्रेशर फुट रखना है। हम पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की ओर लेंगे दूसरे तरफ से। देखिए बिल्कुल इस तरह से इस नेडल को नीचे रखें, प्रेशर फुट उठा के यहाँ तक इस तरह से घुमा लें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ाएंगे इसके, ये देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ से किनारे किनारे से साइड से इसकी सिलाई ले लेंगे पूरे में। जीप को ऊपर चढ़ाते जाएँ, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये सिलाई ऊपर तक हो चुकी है। तो हम इसको बाहर की ओर निकाल लेंगे। अब जीप को हम नीचे थोड़ा सा नीचे करेंगे, खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। अभी हम जो ऊपर से जो छूट गया है, या तो आप कट करें या तो अंदर की ओर फोल्ड करके सिल लें। इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके आप, या चाहे तो मशीन से भी लगा सकते हैं, या चाहे तो आप सुई धागे की मदद से भी आप इसको अच्छे से बैठा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बन के रेडी है। तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से हम इसको अच्छे से बैठा लेंगे। इस तरह से आपको घुमाते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई करना है। और यहाँ पे एक हुक काजा भी बना लें आप, यहाँ पे हुक और काजा बना लें ताकि अच्छे से जीप बैठे। हुक नहीं लगाने से खुल जाएगा, तो हुक ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पकड़ते हुए हम इसको अच्छे से टाँका लगा देंगे। दोनों साइड भी इसी तरह से घुमाते हुए हम टाँका लगा लेंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जीप ये अच्छे से बन के रेडी हो गई है। आई होप कि आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।